एक समय की बात है, बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी अविचार ना किया हो और ना ही उसने मन में ऐसा विचार कभी नहीं लाया हो। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। एक समय बाद लोगों के भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय करते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों की विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें न दोहराने का वर ले।